Yo bros, I just hope you are doing absolutely fine. Bros, आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब हम शॉर्ट या लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो हाईवे पे जब कोई हेल्प नहीं मिल सकती है और कुछ डेंजर हो सकता है तो ह्यूमन और या इंसान पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सेफ्टी या क्या क्या प्रोटेक्शन लेके चलना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सेम अबाउट मोटरसाइकिल कि मोटरसाइकिल के लिए जब तुम टूरिंग कर रहे हो, भले ही शॉर्ट राइड हो, लॉन्ग राइड हो, 100 या 200 किलोमीटर का हो या फिर हज़ारों किलोमीटर का हो फॉर डेज टुगेदर, ठीक है, तो तुम क्या करोगे। तुम्हें ऐसी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगा, एक इंसान नहीं दिखेगा। ये मैं बात सिर्फ जंगलों या पहाड़ों की नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल हाईवेज में भी ऐसे प्लेसेस आते हैं जहाँ तुम्हें एक ढाबा, एक पेट्रोल पंप, एक छोटा पान दुकान तक नहीं दिखेगा और साइड में सिर्फ खेत ही खेत दिखेंगे। तो ऐसा सिचुएशन मैं पहले फेस कर चुका हूँ, मतलब ऑब्वियसली हम सब ने फेस किया है, कोई मतलब देखा होगा जब हम जाते हैं बहुत लंबे लंबे वो के लिए। ऐसे कभी कभी होता है कि मेरा पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है और तब भी मुझे लगता है एक पेट्रोल पंप दिख जाए या एक छोटा सा दुकान वकान कहीं दिख जाए कि लूज़ पेट्रोल मिल जाए, और तब वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या क्या कैरी करेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहला चीज़ जो तुम रखोगे वो है एक एक्स्ट्रा फ्यूज़। वैसे गाड़ी में एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ रहेगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा अपने वॉलेट के एक कोई भी छोटा पॉकेट में एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ रख देना। दो चीज़ें वॉलेट में हमेशा कैरी करना, एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ और दूसरा अबे पैसा, यार पैसा कैरी करना। सो नेक्स्ट इज़ पंक्चर किट। हाँ भाई, पंक्चर किट इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये सिर्फ R15 स्पेसिफिक या फिर तुम बोल सकते हो ट्यूबलेस टायर स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, या अगर तुम्हारा ट्यूब वाला है तो तुम अकॉर्डिंगली वही टूल्स और तुम्हें वो आना चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो पंक्चर किट में पहला आ गया ये, ठीक है, ये सब के मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत ही सस्ते प्राइस में, तुम इसको देख के कभी घबराना मत कि यार ये सब लेने में बहुत खर्चा हो जाएगा ये। और नेक्स्ट हो गया ये, वो पंक्चर किट में इंक्लूडेड आता है, ठीक है, तुम जैसे ही लोगे ये, अगर तुम अमेजोन से खरीदोगे ना 135 या 140 रुपीज़ समथिंग स्टार्टिंग है, 200-250 आई थिंक, फ्री डिलीवरी वाले थोड़े ज़्यादा होंगे, प्राइम है तो और सस्ते में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंक्लूडेड इन पंक्चर किट, एक अच्छा कंप्रेसर, ठीक है, ये कंप्रेसर भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका नाम रेस्क्यू टेक है, उसका स्टिकर भी कर उड़ गया है, रेस्क्यू टेक मुझे उसका रिव्यू और वो सब देख के बहुत सही लगा। तुम्हें ये भी देख के लग रहा होगा, कभी दिमाग में ये मत सोचना कि यार पैसा खर्चा हो जाएगा, 1000 रुपये का आता है, 900 रुपये का आता है, जो भी है विच इज़ ओके, बट तुम्हें लगेगा सर पंक्चर के लिए हम इतना खर्चा करें, भाई तुम सोच के देखो 10 दिन का, मतलब जिन लोग को सिगरेट दारू की आदत है 10 दिन का सिगरेट का खर्चा है वो, या फिर एक दारू बॉटल एक रेस्टोरेंट में। ये सब की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें इतनी वर्थलेस है, और ये तुम्हारा बाइक के लिए तुम ले रहे हो तो दोबारा सोचना मत, मैं ये बोल रहा हूँ, बाइक के ऊपर खर्चा करने से पहले सोचना मत, जबकि तुम वहाँ बेमतलब खर्चा कर सकते हो। और सो पंक्चर का मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, पंक्चर तो हम सब ने देखा होगा, पंक्चर से मैं बहुत डरता भी हूँ भाई, नॉर्मली ट्यूबलेस में ही पंक्चर में मैं डरता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अगर पंक्चर किट रहता तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि तुम सोच लो ना पंक्चर गाड़ी ऐसा सीन है कि तुम उसको चला भी नहीं सकते हो, तब भी टायर इफेक्ट होगा, तुम्हें कोई अगर टो करके ले जा रहा है, तुम्हें कोई धक्का मार के भी ले जा रहा है, फिर भी तुम्हारा टायर इफेक्ट होगा, और ये अगर खराब रोड में हो गया टायर की लग जाएगी, हो सकता है तुम्हारे रिम की भी बैंड बच जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पंक्चर किट ले लेना। नेक्स्ट हो गया एक एक्स्ट्रा बल्ब, हेडलाइट बल्ब, ये भी डिपेंड करता है तुम्हारे बाइक पे, जैसे R15 में मैं ये सजेस्ट करूंगा कभी भी लाइट अगर एक फ्यूज हो रहा है, क्योंकि हाईवे या टूरिंग में हाई बीम लो बीम दोनों होना जरूरी है, और अगर R15 में एक साइड होता है तो तुम बल्ब स्वैप कर सकते हो, ठीक है, बट स्टिल अगर तुम लेना चाहो तो एक एक्स्ट्रा बल्ब कैरी कर सकते हो, और जिनके गाड़ी में सिंगल बल्ब है तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा एक बल्ब कैरी करना हमेशा। नेक्स्ट जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है वो है टूल्स, भाई तुम जितना भी खरीद सको कम है, ठीक है, ले लेना जितना भी। सो टूल्स में सबसे पहले बेसिक से जाएंगे, ये एक ऑल इन वन टूल है, ये सब कुछ कर सकता है, ये कहीं पर नट भी टाइट कर सकता है और पंक्चर टायर से कांटा निकालने के भी काम आएगा ये। नेक्स्ट हो गया स्क्रू ड्राइवर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टार, एक होता है स्ट्रेट हेड,
तो ये हो गया है स्ट्रेट वाला और ये हो गया स्टार, ये छोटे साइज के लिए है ठीक है, जहाँ जैसे कि इससे थोड़े छोटे स्क्रूज खुल सकते हैं इजीली। और अगर तुम्हें ये तो कैरी नहीं करना है तो तुम्हें करीब 100 रुपये में ऐसे वाला स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा जिसका साइड चेंज हो सकता है, एक साइड स्टार होता है एक साइड स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट है स्पैनर्स, R15 स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो ये तीन स्पैनर ही सब कुछ कर देंगे। पहला हो गया 8-9, फिर हो गया 10-11, फिर हो गया 12-13, इसके ऊपर भी आते हैं ऑब्वियसली, उनके बारे में बोलूँगा। 18-19 का तुम्हें एक चाहिए होगा जो हमारा ऑयल ड्रेन करता है, इंजन ऑयल, बट वो राइड्स में तुम्हें क्यों चाहिए, पहले से ही तुम ये सब प्रिकॉशन लेके चलोगे। एडिशनल टाइप ऑफ टूल्स, मैं ये बोलूँगा कि हर चीज़ का ना सेट रख लेना। नंबर्स तुम्हें पता लग गई, एक हो गया वो डबल साइडेड स्पैनर, जैसे कि ये एक टी स्पैनर, ये हो गया, ये भी मेरे पास ऑलमोस्ट हर साइज के हैं और ये बहुत हेल्प करता है कि एक जगह जगह रीच करने में प्रॉब्लम होता है। और नेक्स्ट हो गया रिंग स्पैनर, इसे कहते हैं रिंग स्पैनर, ये भी मेरे पास सब साइज के हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास 18-19 साइज का है इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए, वो चीज़ अगर मैं ये डबल साइडेड स्पैनर से करूं तो वहाँ रीच डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो तो उठा हुआ है। तो ये जो सर ये मुझे एक्सेस देता है ऐसे वहाँ पहुँच के मोड़ने का, ठीक है। सो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ये तुम जनरल के लिए रख लो, ऑब्वियसली तुम राइड पे सब कुछ कैरी नहीं कर सकते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके एक एक सेट कैरी करो। तो स्पैनर के सेक्शन में एक और आ गया, वो है ऐसे वाला, इसे कहते हैं बिट स्पैनर, इसमें ऐसे छोटे छोटे बिट्स लगते हैं अलग अलग साइजेस के, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ। एक तो ये डबल साइडेड है, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो जहाँ तुम्हें नॉर्मल स्पैनर के टीथ स्लिप होंगे ना या तुम्हारा प्रेशर ठीक नहीं होगा, इससे बहुत ही इजीली खुल जाता है। और जहाँ अगर डीप है तुम पहुँच नहीं पा रहे हो, जस्ट फ्लिप करो इसे यहाँ लगाओ और तुम रीच कर सकते हो कहीं पे भी। इसका लेंथ देख लो ना भाई, और इतना सॉलिड है ये, इससे पहले वाले जो वीडियो में ह्यूमन सेफ्टी में भी यूज हो सकता है, बहुत जबरदस्त। टूल्स के सेक्शन में जो लास्ट आता है वो है ये हेक्स की या फिर एलन कीज। एलन की हमें तीन साइजेस के चाहिए बेसिकली, 4 mm, 5 mm, 6 mm, ये हमारा सारा रिक्वायरमेंट पूरा कर लेगी। सीट के नीचे कोई कोई पार्ट में होता है जो सीट खोलने का, या फिर सीट के जो साइड फ्रंट सीट खोलने का जो साइड, वो सब 5 mm से खुल जाएगा। 4 mm खोलता है बेसिकली R15 का जो हैंडल बार के नीचे जो पैनल होता है जो इलेक्ट्रिकल एक्सेस देता है अंदर की तरफ रेडिएटर को, वो होता है 4 mm। उसके ऊपर वाला जो 6 mm होता है वो सिर्फ दो ही जगह लगता है, एक हो गया जो हेडलाइट अगर हिल रहा है, मेरा एक वीडियो है हेडलाइट हिलता है तो मैं वहाँ टाइट किया हूँ उस पार्ट, और एक लगता है सीट के नीचे जो फ्रंट सीट जहाँ से हम लोग अनलॉक करते, सीट अनलॉक करते ना कि साइड पैनल, तो सीट जहाँ से करते हैं वो पहले यूज़ होता है, बट अभी मैं उसको चेंज करके मैं रेगुलर स्क्रू लगा दिया हूँ इजी एक्सेस के लिए, तो कहीं से भी कैसे भी मैनेज हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गाड़ी से कहीं फ्रिक्वेंटली एक स्क्रू लूज हो रहा है कहीं से नट बोल्ट, तो वो तुम्हें बेस्ट पता होगा और वो एक तुम अपने साथ कैरी कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रा नट्स बोल्ट्स या स्क्रूज। और एक बात रही एक्स्ट्रा एक्सिलरेटर केबल या फिर क्लच केबल, ये तुम्हारे गाड़ी पे डिपेंड करता है, बहुत सारे गाड़ियों में चाहिए, बट R15 यूज़र्स को मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ कि ये तुम्हें कभी भी नहीं चाहिए। अगर तुमने पहले से ये सब चेक कर लिया राइड पे जाने से पहले, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्सीलेटर केबल टूट जाएगा क्लच केबल टूट गया, बट अगर सेफ्टी के लिए तुम एक रखना चाहो तो बहुत सही है, राइड से पहले ज़रूरत नहीं। अगर तुमने 1-2 साल पहले भी चेंज किया ना, 2 साल पहले भी, कभी वो नहीं टूटने वाला अगर तुमने सही से वो किया। क्लच केबल का मैं थोड़ा श्योरिटी नहीं दे पा रहा हूँ, वैसे क्लच केबल टूटेगा तो नहीं, बट हाँ कभी क्लच केबल खराब हो सकता है। तो डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो या तुम्हारे कुछ काम आया, और जो जो चीज़ मैंने कही टूल्स वगैरह ये सब तुम एक छोटा सा ही पाउच में ये सब कैरी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें लगेज में नहीं रखना, एक छोटा सा ही पाउच ले लेना, वो सब चीज़ें ये इसमें आ जाएगी, जो तीन स्पैनर, एलन की एक प्लायर, और नेक्स्ट हो गया जो पंक्चर किट। पंक्चर किट एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग में कैरी कर लेना या जैसे भी तुम्हें ठीक लगे, वो तुम्हारा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं खाएगा। और जो जो मैंने कहा टूल्स के बारे में, वो सारा टूल्स R15 में स्पेशली अंडर द सीट 100% आ जाएगा, पीछे
प्लायर थोड़ा सा ज़्यादा जगह ले सकता है तो छोटा प्लायर ले लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। तो बस यही है। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम।